बस तो अब हमको नजर हो गया है, हो गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना। बहुत आदमी से हम लोग भी प्रार्थना ना किए, बहुत मुखिया भी हार गया हमारा, हम भी हार गए मुखिया का कह करके, लेकिन कोई नहीं सुनवाई किया। आज तक यहाँ से जूता पहन के बस्ती पर नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो प्रसव होता है ना, तो खटिया अभी भी हम लोग यहाँ है, पुरानी खटिया, वो खटिया पे लाद के और प्रसव के लिए औरतों को ले जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या बारिश के समय हम लोग होती है। अभी का समय आप देख लीजिए हमारी रोड कैसी है। अभी साहब होते तो लाठी फराठी जूता चप्पल सब लेकर रखबे, कनिया के टेप का दिखा दियो, गरीबी का कहे बनाइए दे, बनाइए दे बाप, ले आल भाई चले बिसे कान पर ढेला लो क्या कहिए दादा जी। रोड बनाइयो मुखिया सरपंच या जे भी छे, तो सब कहे इस बार हम जीत जाएंगे तो बना देंगे, जहां जीत जाए छे जाइयो सब अपन जैसे से एनी टेरी देखवा लगे छी। आज हम बिहार के एक ऐसे गांव में हैं जहां लगभग 40 वर्षों से दलित समाजों को निकलने के लिए एक अच्छी सड़क नहीं है। उस सड़क को लेकर के दलित समाज के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहां के लगभग सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो भी विधायक है, सांसद है, सबके पास इन लोगों ने गुहार लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क नहीं बन पाया है। जरा सोचने वाली बात है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को बताने के बाद भी आखिर इस दलित समाज के लिए सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है। चूंकि अगर देखा जाए इस बस्ती में लगभग 2000 घनी आबादी वाली दलित बस्ती है और 2000 लोगों को निकलने के लिए सड़क नहीं है, और जितने भी यहाँ लोग हैं सब दलित समाज से आते हैं और दलितों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम एक एक लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कहाँ का है और किस तरह की मांगे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम उमेश कुमार पासवान हुआ, मैं स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, लगातार सर कितने प्रतिनिधियों को बोला जा रहा है, फिर भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है रोड के लिए। सर बारिश में इतना तकलीफ हो रहा है कि मान लीजिए मरीज हुआ चाहे प्रसव के लिए इतना दिक्कत होता है कि जाने आने में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सर। और लगभग 40-50 सालों से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, DM ऑफिस, SDM ऑफिस, BDO ऑफिस पर, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सबके पास जाते हैं अर्जी लेके, आज तक किसी ने नहीं सुना है हम लोगों का अर्जी। दलित बस्ती है हम लोगों का सर, देख ही रहे हैं आज तक रोड नहीं बन पाया, यहाँ से साइकिल लेके हम लोगों को जाने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सर। ये कौन सा जगह है? ये अमौजा है सर, वार्ड नंबर 14 पड़ता है यहाँ। अमौजा गाँव है, वार्ड नंबर 14 है, पंचायत कौन सा है? सैनी पंचायत में। प्रखंड कौन सा है? फुलपरास। जिला अररिया? जिला मधुबनी। जी सर, तो देखिए ये मधुबनी जिला का मामला है और जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया कि अमौजा गांव है, वार्ड नंबर 15 है, वार्ड नंबर 14 है और यहां लगभग 2000 से अधिक घनी आबादी है, दलितों का बस्ती है और इन लोगों की मांग है कि सड़क नहीं बन रहा है। एक चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं आप। हाँ सर, आपकी नजरों में कब से ये सड़क नहीं बन पाया है? हमारे नजर में कम से कम तो 50 वर्ष तो हमको नजर हो गया है, हो गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना। बहुत आदमी से हम लोग भी प्रार्थना ना किए, बहुत मुखिया भी हार गया हमारा, हम भी हार गए मुखिया का कह करके, लेकिन कोई नहीं सुनवाई किया। क्या करेंगे हम लोग तो गरीब, हम लोग तो बिना पढ़े लिखे लोग हूँ, लेकिन करेंगे क्या, कोई कुछ सुनवाई नहीं करता है। आता है कहता है वोट लेने को टाइम में, तुम ही मेरा बाप है, कल हम तुमको ये बार सड़क दिला देंगे, लेकिन अभी तक कोई सड़क नहीं दिलाया। सब क्या कारण क्या है कि सड़क नहीं बन रहा है? कारण क्योंकि सड़क गरीब के क्या देखे छे सर? गरीब को कोई नहीं देख रहा है। हमरा सब मरे की चार पांच सात बच्चा पकड़ के डूब दे लो, क्या कोई देख रहा नहीं छे, तो की करबे हम। कितना उम्र है आपका चाचा जी? 55 वर्ष के हैं आप? हाँ 55। तो आपके समय में ये सड़क नहीं बन पाया है? नहीं नहीं जी। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? हम लोग तो मूर्ख है, हम लोग तो किस जानता है नहीं, कितना वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच सबका रोड बनता है नहीं, सबको भाग गया। तो यहाँ इस पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया की बात करें, वार्ड पार्षद की बात करें, पंचायत समिति सदस्य की बात करें, जिला परिषद सदस्य की बात करें, या स्थानीय विधायक है, इन लोगों के द्वारा आखिर प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रयास तो हम लोग बहुत करते हैं और प्लस मुखिया समिति जो भी कोई आता है सब चुना लगा के चला जाता है, लेकिन तो ऐसे लोगों को चुनते क्यों है? आखिर क्यों ऐसे लोगों को पद मिलाते हैं? हम लोग तो चुनते हैं सही आदमी को, लेकिन वो बाद में जाकर के खराब बन जाता है, तो तकलीफ तो हम लोगों को होता है।
आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। देखिए इस तरह की समस्या इस पंचायत में, इस गांव में है, यहाँ के लोगों में कितनी आक्रोश है, क्या कहना चाहिएगा? तो हमारा उम्र 52 साल हो गया है। अच्छा, 52 वर्ष की उम्र में हम लोग आज तक यहाँ से जूता पहन के बस्ती पर नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो प्रसव होता है ना, तो खटिया अभी भी हम लोग यहाँ है, पुरानी खटिया, वो खटिया पे लाद के और प्रसव के लिए औरतों को ले जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या बारिश के समय हम लोग को होती है। अभी का समय आप देख लीजिए हमारी रोड कैसी है। अभी भी हम चाहेंगे चार चक्का हमारे यहाँ नहीं आ पाती है, गाँव से हमारी दूरी 1 किलोमीटर की है। आज तक जितना भी जनप्रतिनिधि है, MLA हो, MP हो, मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, जिला परिषद हो, सबके पास हमारा है गया है, एप्लीकेशन गया है, कई बार गया है। अब 52 साल की उम्र में हमारे, मतलब 12 साल में छोटे, तब भी सब ही नहीं देख रहे हैं कि आज तक कोई इसमें, हाँ सब बोल रहा है आज बना देंगे कल बना देंगे, लेकिन क्या कसूर है हम दलितों की? हो सकता है हम लोग दलित है, इसके लिए हमारे, हमको ये सजा मिल रही है सरकार के द्वारा। सरकार कहते हैं कि दलितों की कहाँ है, क्या क्या सुविधा है हमारे यहाँ, देख लीजिए आप। देखिए ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग दलित है तो कहीं दलित होने की सजा तो हमें नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए अगर बिहार में देखा जाए तो गली गली हर जगह पक्की सड़क आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिर मधुबनी जिला का ये जो अमोजा गाँव है, फुलपरास प्रखंड है, यहाँ इस तरह की समस्याएं क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सैनी पंचायत है ये। चाचा जी यहाँ आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सफीर मंसूरी। इस सड़क के बारे में क्या कुछ आप लोगों की मांग है? सर यहाँ सड़क तो कोई भी नहीं हो रहा है। मुखिया जिताया, सब किया, जो प्रखंड किया, फुलपरास गया, कोई भी सुनवाई नहीं है। मुखिया जो बना दिया वो हाँ कल बना देते है, परसों बना देते है, कोई नहीं, बस हो गया, कोई भी नहीं सुनवाई। इस सड़क को लेकर के, इस समस्या को लेकर के लगातार यहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, जो शिक्षित हैं, इन्होंने भी काफी हद तक प्रयास किया और इसी के कहने पर आज यहाँ मीडिया के हम तमाम साथी भी आए हैं कि इस मामले को आखिर दिखाएं, सरकार तक की आवाज जाए कि आखिर सड़क की ये 40 वर्षों से ये सड़क की समस्याएं लंबित क्यों पड़ी हुई है। गणेश पासवान जी, जी सर, क्या कहिएगा सड़क के बारे में? सर मेरा जनप्रतिनिधि से मांग है कि जल्द से जल्द ये सड़क बने, और ये सड़क नहीं बनेगा तो हम लोग इससे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रखंड घेराव करेंगे, उसके बाद जो भी प्रतिनिधि है उनको हम जो है ना इस टोला पे वोट के लिए नहीं टपने देंगे। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम लोग का सड़क नहीं बन पाया है। इस बस्ती की आबादी कितनी है? आबादी लमसम 2000 से ऊपर है। कितने घर है? 70-80 घर है। 2000 से अधिक है, सभी दलित है? जी सभी दलित है। तो देखिए यहाँ की महिलाओं से भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि महिला इस सड़क को लेकर के क्या कुछ कह रही है। चाची आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। कि सड़क, सड़क के बारे में क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? सड़क नहीं बने छे, ब्याह शादी जो हुई छे, ब्याह जो लड़का शादी जो भले लड़का कनिया आवे छे तो ओते उतर जाए छे, ओते गाड़ी ले गेल प्यारे जाए। जरा सोचिए आज के समय में इस तरह की बातें आज हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे किसी के यहाँ अगर शादी होती है और उसका अगर बारात अगर दरवाजे तक आना हो तो वो दरवाजे तक गाड़ियाँ नहीं आती है, बल्कि बारात आने वाली गाड़ी भी कोसों दूर लगता है। हमरा सबके चरचक्का के ना होते है तो से कहो पहले सर अथी जो अबे मुखिया और जो वोट ले कॉल जोड़ के हमरा वोट दियो वोट लाल भ जाए तो घर ढुक जाए कि हम वोट लो ले तो हम अहाँ नहीं वोट दिलिये हमरा, हम अपना अथी से भाग से जीतलिए, अपना नसीब से जीतलिए, से कह लगे वोट देते हैं ऐसे लोगों को। आब होते लाठी फराठी जूता चप्पल सब लेकर रखबे कनिया के टेप के देखा दियो, गरीबी का बनाइए दे, बनाइए दे बाप लाल भ जाए तो। क्या कहिएगा दादी जी, सड़क कब से नहीं बने छो? कब से नहीं बने छे? मुखिया यार चाटे छे वोट ल ल वोट ले ले छे तखन कहते की हे गोर लगे छियो, गोर लगे छियो, सब चीज हेतु आ भ जाए छे तो रस्ते पे दादा का चाट ले छे अपना बहु बेटी ले, अपना बहु बेटी ले कमाए छे, हमरा और ले, हमरा और ले नहीं कमाए छे। तो यहाँ के एक एक लोगों का और महिलाओं का जिस तरह इसमें आक्रोश देखा जा रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों के सड़क को लेकर के इसके अंदर जो समस्याएं हैं उसका दंश पिछले 40 वर्षों से किस कदर झेल रहा है। तो हम और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, आगे आ जाइए।
क्या कहिएगा सड़क नहीं बन रहा है? नहीं एक फूली पड़ते हमरो का पीछे भी टांग हाथ कतेक टूटले बुढ़िया के तेहन माटि छे आ ओतय कली मने कहे छे तो कहे छे बना दे आ जहाँ भए गोर लगे कराबे छे जहाँ वोट भ जाय छे घर दे देख दर्शन कर ले छे। क्या बोले सर हर बेर आबे छे वोट ले ला तो कहे छे सर रोड बनायो मुखिया सरपंच या जे भी छे तो सब कहे छे इस बार हम जीत जाएंगे तो बना देंगे आ जहाँ जीत जाय छे जाइयो तो सब अपन जे छे से एनी टेढ़ी देखवा लगे छे। ले हम लोग का तो क्या क्या लग रहा है आखिर मधुबनी जिला का फुलपरास प्रखंड का यह मोजा गांव वार्ड नंबर 14 बताया जा रहा है सैनी पंचायत है यहां लोगों में जिस तरह से आप लोग आक्रोश देख रहे हैं इसको क्या कहा जा सकता है? आखिर इतने संघर्षों के बावजूद यहां के जनप्रतिनिधि दलित समाजों के लिए सड़क क्यों नहीं बना पा रहा है ये एक बड़ी सवाल है। 40 वर्षों से जो सड़क का समस्या यहाँ लंबित पड़ा हुआ है आखिर कई बार चुनाव हुए जनप्रतिनिधि यहाँ बनाया गया उसके बावजूद सड़क क्यों नहीं दलित समाज के लिए हो रहा है? पिटीशन भी डाल चुके हैं उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, 2-3 पिटीशन भी लिख करके दिए हैं उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कहिएगा आप आगे ये तो सर हम विधायक को भी कह दिए हैं जो हमारा रोड क्यों नहीं बना पा रहे हैं, मुखिया जी को भी कहा हूँ, सबको पूरा जो है प्रतिनिधि जितने भी हमारे संपर्क में है सभी को मैं बोलता हूँ जो आप क्यों नहीं हमारे रोड दलित समाज का इसलिए नहीं बना रहे हैं हमारा रोड, कहता है आज बनेगा कल ये नहीं कहता है जो नहीं बनेगा, लेकिन सब धूल झोंक कर आँख में चला जाता है कोई जो है रोड के लिए बहुत पिटीशन भी डाल चुके हैं इसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे हजूर कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं जो कभी जब से हमारा जन्म हुआ है जब से हमारी मतलब बचपना देखे हैं आज तक बुढ़ापा आ गया आज तक हम लोगों को रास्ता चलने के लिए नहीं हुआ नहीं मिला है। और जितने भी हम लोग एप्लीकेशन लिखे मुखिया को कहे सरपंच को कहे जिसको भी कहे प्रतिनिधि को कहे कोई ध्यान नहीं दिया और हम लोग ये जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बारिश होता है तो इतना इतना पानी में हम लोग हेल के चलते हैं चला नहीं जाता है बुढ़ापा। अब तो बरसात का मौसम आ रहा है तो काफी दिक्कत होगी। बरसात का मौसम आ रहा है बरसात के मौसम में हम लोग बिल्कुल घर से निकलते नहीं है। हाँ इतना कैमरा पर से चाहेंगे आप थोड़ा इस बस्ती का नजारा दिखा दीजिए कैमरा को जूम करके। यही वो बस्ती है जहाँ 2000 से अधिक दलितों का घर है और इन्हीं दलितों को निकलने के लिए सड़क तक नहीं है। अब जरा चाहेंगे कि आप यहाँ पोखर का नजारा दिखाइए। देखिए इस सड़क नहीं होने के साथ साथ यहाँ जो पोखर है इस पोखर के भी सौंदर्यीकरण के लिए कहीं कुछ प्रयास नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में पोखर में डूब के कई बच्चों की जान चले जा चुकी है। इस तरह की तमाम समस्याएं इस पंचायत में बनी हुई है। हाँ क्या करे थे अभी तक जो है दो बच्चे पोती 6 साल का छे पिछड़ा चल गए डूब गए पिछड़िए दूटा जोड़े गड़े जोड़े जोड़ी पुछियो समाज लोग के झूठ बजे छे समाज लोग के पूछ लियो पिछड़ा में चल गए दूटा पोती हमार डूब गए एक हमरा दियोर के एक हमार पूछ लियो समाज लोग के झूठ बजे छे तो डूब गए 6 साल के हमार पोती छे एक टा छे पोती हमार आ डूब गए। देखिए हम मधुबनी जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे और खास करके फुलपरास प्रखंड के जो भी यहाँ के अधिकारी हैं वो अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो जल्द से जल्द इस सड़क को आप मामले में ले और इस सड़क का निदान आप लोग कर दे चूंकि दलित बस्ती है और ये समस्या आज का नहीं है पिछले 40 वर्षों से ये सड़क नहीं बन पा रहा है और ये छोटी मोटी आबादी वाले बस्ती नहीं है 2000 से अधिक लोगों के लिए निकल पाने के लिए सड़क नहीं होना आज के समय में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से आपने जिस तरह का जानकारी पाया और यहाँ की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराया तो यहाँ के लोगों के बारे में आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी अपनी राय दे।